मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह आप लोगों के लिए मैथ का स्पेशल प्रश्न लाया गया है जो आज तक सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों का यूपीपी का पेपर होने वाला है उस एग्ज़ाम को देखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भी आप एसएससी जीडी आरपीएफ ग्रुप डी एसएससी 10+2 एमटीएस के भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपका ये सभी प्रश्न तैयार है तो मान लीजिए आपके मैथ के सभी प्रश्न आपका तैयार, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। इसको एक बार आप तैयार कर लीजिए। अगर आप इसमें से दिए गए सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपका मैथ के पूरा सिलेबस आपका तैयार है। और इसके अलावा जो बाकी के आपके जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, उसको आप तैयार करिए। और इस पर जितने प्रश्न हैं आप ज़रूर इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा इसी में से प्रश्न बनने वाले हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनेंगे आपके। आपके यूपीपी का बहुत बड़ा कोई सिलेबस नहीं है तो इसको एक बार आप तैयार कर लीजिए। और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हैं, वहाँ भेजिएगा आप लोग। आपका यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जो पेपर आपके होने वाले हैं अब रिवीजन भी आप अपना शुरू कर दीजिए। जैसे भी हो सके वैसे पूरा एकदम तैयार कर लीजिए। यूपीपी का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसका लिमिट सिलेबस है और पता है कहाँ से कौन कौन से प्रश्न हर साल पूछे गए। इसको ज़रूर 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार 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 इन्हीं प्रश्नों को लगाइए। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है। 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके उतनी बार इन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट करिए। अब आपके पास समय नहीं कि मोटी मोटी बुकों को पढ़ने के लिए, हमने एक जगह सभी प्रश्नों को ला कर दे दिया है कि हर टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं या बनने वाले हैं। पूरे मैथ का कंप्लीट सलूशन आपको दिया जा रहा है। इसको तैयार कर लीजिएगा, कोई आपको आगे दिक्कत आने वाली नहीं। इसी तरह मैं आपको रीजनिंग भी प्रश्न कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करवाऊँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
तो दोस्तों जो इसको देख लीजिएगा आप लोग, और जहाँ पे कुछ एरर होगा, मिसप्रिंट होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस गलतियों को दूर किया जाएगा। और इसको फिर से एक बार कहना चाहते हैं, इसको बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोले जिसको बूस्टर प्रश्न बोलते हैं, एकदम समझ लीजिए ये UPP में आने वाला ही प्रश्न है। इसको इग्नोर न करिएगा, जैसे हो सके वैसे पूरा तैयार कर लीजिए, पूरे नोट्स से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अगल बगल से किसी से हेल्प लेकर तैयार कर लीजिएगा। अगर हमसे मुलाकात नहीं आपकी हो पा रही है, किसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उन लोगों का भी घर बैठे ही मैथ के प्रश्न सभी कम्प्लीट हो जाएंगे। तो ये सब्सक्राइब लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो में आपको प्रश्न बना कर दूंगा, रीजनिंग का भी दे दिया जाएगा आपको, जिसमें कंप्लीट 100% की गारंटी है कि UPP में इससे बाहर का प्रश्न आने वाला नहीं है आपका। विशेष करके इसका ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, मात्र आपके 10 से 12 दिन आपके हाथ में बचे हुए हैं। इसका सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उपयोग करिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। UPP में सिलेक्टेड प्रश्न है कि इन्हीं में से आने वाले, कुछ नए प्रश्न यहाँ नहीं बनते हैं। ज़रूर तैयार करिएगा, एक बार फिर से मौका मिला है आपको।